देखिए राजस्थान के अंदर जातियों की और आरक्षण की लड़ाई इस सरकार ने सत्ता में आने के लिए करी थी। राजस्थान के गुर्जरों से पहली बार इसी सरकार ने 2003 के अंदर, इस सरकार ने वादा किया 2003 के अंदर कि हम आपको आरक्षण देंगे, और वो जब हमने आरक्षण मांगा तो आरक्षण के बदले राजस्थान के गुर्जरों को गोलियां देने का काम इस सरकार ने किया, और हमारे 73 गुर्जरों का खून से राजस्थान की धरती लाल हो गई। सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला मामला है कि जब एक कौम ने अपने अधिकार पाने के लिए अपने बेटों के खून से इस धरती को लाल किया हो। लेकिन उससे बड़ा दुर्भावना इस बात की है जब ये SBC का OBC को SBC में लिया है और SBC के बाद उसका लाभ लेने के लिए MBC लेकर आ गए, लेकिन जो उपचुनाव के पहले इनका रिजल्ट आया, उस उपचुनाव के पहले के तहत जो सेकंड ग्रेड का रिजल्ट था उसके अंदर इन्होंने 1% MBC का आरक्षण दे दिया, लेकिन उसके बाद में जो इनके रिजल्ट आ रहे हैं उसके अंदर किसी भी वैकेंसी में और रिजल्ट के अंदर ही हमें MBC का 1% नहीं दे रहे हैं। आज जो RS का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो RS के हमारे लोग हैं उन लोगों को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के कारण जो RS बन सकता है वो RPS बन रहा है, जो RPS बन सकता था वो TDS बन रहा है, और हमारे नौजवान लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है। मुद्दा मैंने विधानसभा के अंदर उठाया है और सरकार को चेताया है कि आने वाले समय में अगर आपने इसका निराकरण नहीं किया तो एक बार राजस्थानी गुर्जर सड़कों पर फिर उतरेंगे, और यह सरकार नहीं है, हम नहीं।